अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। इट इज नॉट JDU इज अ पार्टी हियर, JDU इज अ पार्टी हियर, वेदर इट इज अपोजिंग और सपोर्टिंग, आई हैव टू रिकॉर्ड माय व्यू। आपके कहने से यू विल नॉट कंडक्ट द हाउस। माननीय सदन बोलिए, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से, ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर भा। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले, सर, आई स्टैंड हियर ऑन बिहाफ ऑफ द एनसीपी वेहेमेंटली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ईदर टू विदड्रॉ द बिल कंप्लीटली। दैट इज आवर रिक्वेस्ट टू दिस गवर्नमेंट, बिकॉज नो डिटेल कंसल्टेशंस हैव बीन डन विद वेस्ट पीपल हु एक्चुअली आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टुडे। सो आई रिक्वेस्ट विद फुल ह्यूमिलिटी टू दिस गवर्नमेंट टू ईदर विदड्रॉ इट, एंड इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू विदड्रॉ इट, एटलीस्ट सेंड इट टू अ स्टैंडिंग कमिटी और मेक अ कमिटी टूगेदर ऑफ द एंटायर ऑल पार्टी मीटिंग एंड देन डू इट। प्लीज डू नॉट पुश अजेंडाज विदाउट कंसल्टेशंस। आई विल नॉट रिपीट अ सिंगल पॉइंट विच अर्लियर माई केस, बट द सैड पार्ट इज दिस दैट वी डिड नॉट फाइंड अबाउट दिस बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट। We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? How, what is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट, नहीं वो संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको, बिल्कुल इसीलिए वो कल बट इट केम इन द मीडिया बिफोर दैट बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। इट केम इन द मीडिया, ये जस्ट क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं। मीडिया कुछ भी मीडिया के पास कैसे पहुंचा
ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरियत में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद कोई संसद ने कल बीएसई में भी चर्चा हो चुके हैं। नो, कल बीएसई में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। नो, मैं तारीख सही बताता हूँ अभी आपको, एक मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, एक मिनट मेरी बात सुने, सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजर कमिटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर संदर्भ के नेता थे, श्रीमती सुप्रिया सिले। Sir, the only concern is, this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in Section 3C, the collector issue which Kanni Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting Section 40. Now, WAF is there or is not there is clearly needs to be done. You have deleted Section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting Section 40 is my question to this. Then the WAF tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's Section 108, Section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states, cooperative federalism, toh ye sarkar bhooli gayi. Har cheez mein, sir. Yesterday in the GST, we had the same issue. The Honorable Finance Minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. But she's saying that nothing is, don't bring issues here, go back to the states. So then why are we elected here? Why do we have a parliament if for everything we have to go back to the states? And states ka koi sune to na. That is the other problem. They say write to the states. Then why are we writing to ministers here? It has no value. How can you undermine the central government? This is supreme, all state subjects. State GST, sir, I agree with you. But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 section B, the rules, states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country, well, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. Aisa kya hua hai work board mein ki abhi aapko ye bill lana hai. Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have more detailed discussions. There are committees which are forming. Let's discuss it and only then bring a bill which is fair and which is just in this country. Because in this constitution, every citizen matters and counts. That's what rightfully is given to every citizen, sir. Thank you. Maananiya Sadasyagan, ek baar phir check kar lein. Is bill ko 6 tarikh ko circulate kar diya tha. Aap portal pe check kar lein. क्योंकि आप सदन के बारे में, संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूं। मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। एमपी अब्बू समदानी, ईटी मोहम्मद बशीर, नहीं नहीं आप बोलेंगे, दोनों में से एक बोलेंगे, कोई बोलना नहीं। माय सर, अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई वेहेमेंटली अपोज द वेरी
presentation of this bill, as correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you. Sir, if this bill is passed, the entire boxing system will be collapsed, sir. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, work board and work council, all these bodies will have no existence. They will not have any value, because all the powers vested with these bodies are captured by the government and hand over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system, and they cannot donate to work system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, worker board and council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the work board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is an encroacher in this, government building is situated in the land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Wakhu land. That is another thing, sir. Sir, another thing, we can very well understand.